बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम टेम्परिंग नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा ये अगर इट्स नॉट पॉसिबल है तो फिर आप डरिए मत, हैकथन का चैलेंज स्वीकार करिए। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बड़े टेक्नोक्रेट्स सबको इन्वाइट कीजिए। इन्होंने कोई ऐसे खास फीचर्स के बारे में बात नहीं बताई जो हैक ना हो सकते हो, जो टेम्पर ना हो सकते हो। हमारी सिर्फ ये मांग है कि एक तो जो बार बार हैकेथन के बारे में चुनाव आयोग कह रहा था वो हैकेथन कराए। ऐसी मशीनों पे आगे चुनाव होने चाहिए जिनमें सब में पर्चियां निकले और ईवीएम की गिनती के साथ साथ उन पर्चियों की भी गिनती हो। पॉलिटिकल पार्टीज वर आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द कमीशन विल होल्ड अ चैलेंज एंड ऑफर अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू डेमोंस्ट्रेट दैट EVMs used in the recently concluded assembly elections were tampered or that EVMs can be tampered even under the laid down technical and administrative safeguards. टॉय पे टॉय के ऊपर अपने पर्सनल मशीन पर प्रोटोटाइप बनाकर करना एक अलग बात है, इलेक्शन कमीशन के मशीन पर करना अलग बात है, लेकिन पेपर ट्रेल के आने से हम सबसे पहले पेपर ट्रेल के पक्षधर रहे हैं। उसके बारे में हमने बात किया है 2009-10 से लेकर, तो पेपर ट्रेल के जो अभी इम्प्लीमेंटेशन के इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है वो हमारे लिए स्वागत योग्य है। ईवीएम हमें तो कोई शंका नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे इसका नाम बड़ा है, पारदर्शिता है, लेकिन जिस किसी को भी कभी शक हो कि जब इलेक्शन हो वीवीपैट वाली जो चार चार मशीनें हरेक पार्टी की, वो वीवीपैट देखे उसमें शक दूर हो जाएगा कि उसमें कोई फर्क है कि नहीं है। You have the faith in the election commission, no doubt at all. They have come forward now introducing that slip system which it will give the proof the voter can vote whom they have voted. Therefore, we requested not only counting the EVM machines the votes and also slips which will be shown that also be timely counted. Both must be tallied. फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कस्टोडियन है इलेक्शन कमीशन, मशीन के कस्टोडियन नहीं है। मशीन एक उपकरण है, उपकरण पर अगर शक है, शुभा है, तो उस शुभे को खत्म करिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक शेयर्ड फीलिंग होनी चाहिए, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग किसी एक दल की नहीं होनी चाहिए। कई पार्टियों ने ये जाहिर किया कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, लोकतंत्र में किसी तरह की शंका उसको निर्मूल करना चाहिए और मैं स्वागत करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने ये बात जोरदारी से रखी है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, और जो ईवीएम थी वो तो आज अपने आप साबित हो गया कि वो डिफेक्टिव थी और उससे सही चुनाव नहीं हो सकता था। ये तो इलेक्शन कमीशन ने जब आज ये डिक्लेयर कर दिया है खुल करके कि हम अगला चुनाव जो भी होगा इन ईवीएम मशीनों से नहीं कराएंगे।